उनको आग लगी। और पहले तो ऑलरेडी यहाँ इन्होंने वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो जो फायर ब्रिगेड वगैरह का जो ऑलरेडी हाउस बोट्स हैं वो कहीं और रखी हुई हैं, उनको यहाँ लाया नहीं गया। और जिस बहादुरी से यहाँ के लोगों ने अपनी जान पे खेल के यहाँ टूरिस्ट की जान बचाई है, मैं तो कहती हूँ कि उसके लिए हम जितने भी इनके शुक्रगुजार रहेंगे वो कम है। अब हमारी ये गुजारिश है, जो एक तो सरकार डीसी साहब को यहाँ आना चाहिए, डिविजनल कमिश्नर साहब को आना चाहिए और इमीडिएटली यहाँ सफाई की होनी चाहिए। उसके बाद इन लोगों को सॉफ्ट लोन और उसके साथ लकड़ी का इमीडिएटली इंतजाम होना चाहिए, ताकि जितना जल्द हो सके ये अपना जो जो इनका ये आशियाना सारा बिखर गए। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें खुद रहते भी थे, बच्चे भी वहीं रहते थे, उनके सर से छत चली गई। तो इसलिए मेरी सरकार से यही गुजारिश होगी कि जितना जल्द हो सके, इसमें कोई दफ्तरी तबालत नहीं होनी चाहिए। अब ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ वो नहीं होना चाहिए, उसके बगैर ही इनको इमीडिएटली सॉफ्ट लोन दिया जाना चाहिए, लकड़ी का इंतज़ाम होना चाहिए और इमीडिएट और जो भी मदद हो सके उन घरों को, खासकर जिनके पास और कोई सहारा नहीं है, सरकार को करना चाहिए। इसमें ये टूरिज्म, ये हमारा हेरिटेज है जम्मू कश्मीर का, ये हमारा जो ये हमारे असासे हैं, ये हमारा जो कश्मीर की जो हमारी कश्मीरियत है वो यही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें इमीडिएटली स्टेप लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको इमीडिएटली इसमें इकदाम करने चाहिए। और कोई भी जो है सरकार जो है उनको जिस तरह से इन्होंने ये जो है इन्होंने आपको एक जला एक दिया एक है, बिल्कुल ये देखिए सारा इनका जिस्म जल चुका है। ये सर अपना जान मैंने अपने टूरिस्ट को बचाते और जान को मैंने खेला, जिस हाउस बोट में आग लगी और उसमें 12 टूरिस्ट थे, सबको बचाने के लिए मेरा हाथ भी जख्मी हो गया, मेरा बॉडी भी जल गया, अल्लाह की करम से उनको अल्लाह ताला ने बचाया, एवरीबॉडी वाज सेफ, टूरिस्ट को कोई तकलीफ नहीं पूछा, टूरिस्ट को बस सलामत बाहर निकाला गया। तब तक हमारा माल चलते रहा, हमने माल की कोई चिंता नहीं किया, हमने चिंता किया ओनली फॉर द टूरिस्ट का। टूरिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब सेफ है। बाकी जो ये कोई न्यूज बोलता है 12 आदमी 13 आदमी मर गया, ये बिल्कुल बेकार न्यूज है। इसके लिए आपको वेरीफाई करना है, निगीन पुलिस स्टेशन से एसोसिएशन साहब से बात कीजिए, अगर गलत होगा जो सजा होगा मुझे। थैंक यू फॉर कमिंग। बाजी इन्होंने टूरिस्ट को बचाया।